नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, बच्चों के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ जयपुर में हूं। मालोत हॉस्पिटल रन करता हूं और यहां पे मैं सारी प्रकार की बच्चों की हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं, ऑपरेशंस भी करते हैं। आज हम एक बहुत ही रेयर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर सही टाइम पर ट्रीट या डायग्नोसिस न हो तो एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। और डिजीज़ का नाम है पर्थीज़ डिजीज़। नाम सुन के ही आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, बहुत ही इंग्लिश नेम है और आमतौर पे नॉर्मल पेशेंट्स या फिर नॉर्मल पब्लिक को इस भी डिजीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर जिन बच्चों के ये होती है ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं पर्थीज़ डिजीज़ होती क्या है। ये डिजीज़ कूल्हे को अफेक्ट करती है, हिप जॉइंट को अफेक्ट करती है बच्चे के, और जो इसकी सबसे कॉमन एज है 6 से 10 साल के बीच में ये बच्चे के कूल्हे में असर डालती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि इसमें बच्चे को दर्द फर्स्ट स्टेज पे कभी नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चे की चलने में लचक आने लग जाती है। ये जो लचक है इसको हम लिम्प बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और ये कैरेक्टरिस्टिकली पेनलेस लिम्प होती है। पेनलेस लिम्प का मतलब होता है जिसमें दर्द इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, कभी कभार बच्चा बहुत चल लेगा तो हल्का दर्द बता सकता है, मुख्य तौर पर यह पेनलेस लिम्प होती है। अब पेनलेस लिम्प की वजह से ही इसमें ट्रीटमेंट जो है डिले हो जाता है, क्योंकि बच्चे को दर्द नहीं होता, माँ बाप सोचते हैं कि कहीं गिर गया होगा या फिर ज़्यादा खेलता है या खाना नहीं खाता, कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से बच्चे को लिम्प है और नेग्लेक्ट होता जाता है। 3 से 4 महीने 5 महीने कई बार तो 1-1 साल तक पेरेंट्स जो हैं वो लोकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और इसकी वजह से ये जो लिम्प है ये टाइम के साथ बढ़ती जाती है। चूँकि इसमें दर्द नहीं होता है, यही एक प्रमुख कारण है कि हमें इसमें जो है देरी हो जाती है। पर मेरा जिन पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि बच्चे के चलने में लिम्प है, चाहे वो दर्द हो या ना हो, हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। बिकॉज कई सारे लिम्प जो अगर इनिशियल स्टेज पे अपन ट्रीट कर दें उस डिजीज़ को तो काफ़ी कंट्रोल आ सकती है। जब भी लिम्प होती है बच्चे को तो हमें सबसे पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पैर का एक्सरे ज़रूर कराना, स्पेशली हिप जॉइंट का। हिप जॉइंट का जब हम एक्सरे कराते हैं तो ये पर्थीज़ डिजीज़ आराम से पकड़ में आ जाती है और इसका ट्रीटमेंट हम चालू कर सकते हैं। बेसिकली पर्थीज़ में होता क्या है, जो बच्चे का अफेक्टेड हिप जॉइंट है उसका खून का दौरा कुछ समय के लिए रुक जाता है। जब कुछ टाइम के लिए खून का दौरा रुक जाता है, उस टाइम पर जो बच्चे की हड्डी का विकास है वो हो नहीं पाता, और इसकी वजह से बच्चे का जो लिम्प वो आ जाता है। ये खून का दौरा कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, लेकिन तब तक यदि हमने उस गोले को प्रॉपरली उसके सॉकेट के अंदर नहीं रखा तो उस दौरान वो हेड जो कि उसका गोला है वो सॉफ्ट होता है और वो डिफॉर्म्ड हो सकता है। तो बेसिकली हमारा पर्थीज़ जो डिजीज़ है उसका इलाज या उसका जो ट्रीटमेंट का मकसद है कि जब तक खून का दौरा चालू नहीं हुए हमें उसके हेड को स्फेरिकल यानी गोला का शेप बना के रखना है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर भविष्य में बहुत ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट नहीं है, लेटर स्टेजेस में हमको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। पर्थीज़ डिजीज़ का कारण क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर्थीज़ डिजीज़ इडियोपैथिक होती है। इसका मतलब होता है कि कोई विशेष कारण हमें नहीं पता लगता। कई बार वो बहुत कम केसेस में वो कई बार कोई सिस्टमिक डिजीज़ यानी जैसे हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, बहुत ही रेयर डिजीज़ है, उनके साथ एसोसिएट हो सकती है। पर मुख्य तौर पे जो है इसका जो खून का दौरा है वो विदाउट एनी रीज़न एक खुले में कई बार कम हो जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स इसको चोट से कोरिलेट करते हैं, और मेरे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं कि वो 4-5 महीने पहले कहीं गिरा था, किसने देखा था कुछ नहीं पता, लेकिन वो हर चीज़ को चोट से रिलेट करते हैं। या फिर ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि खाना बहुत कम खाता है इसकी वजह से ये चल रहा है। मेरे हिसाब से जो ये सब धारणाएँ गलत है, इसमें पर्थीज़ डिजीज़ का कोई भी कारण नहीं है, जिसके लिए ऑटोमेटिकली एक हिप का जो है सर्कुलेशन वो रुक जाता है। यदि आपके बच्चे को इस तरह का पेनलेस लिम्प है तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट से मदद लें, अपने एक्सरे कराएं। एक्सरे करने के बाद पर्थीज़ डिजीज़ की स्टेज को पता लगाएं, कौन सी स्टेज है। स्टेज 1 और 2 जो होती है वो रिलेटिवली अर्ली स्टेज होती है। उस स्टेज पर अगर अपन ट्रीटमेंट करें, हिप की कंटेनमेंट सर्जरी या फिर कोई और विशेष जो सर्जरियाँ स्पेसिफिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा की जाती है, तो उस सर्जरी के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर हैं एज़ कम्पेयर्ड कि हम कुछ ना करें। तो जो सबसे पहले हम जो होता है पर्थीज़ डिजीज़ में बच्चे को वो कैरेक्टरिस्टिकली कहते हैं कि
अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, हिप को थोड़ा चौड़ा रखें जिससे हिप जो है वो गोले में सॉकेट में अच्छे से फिट हो, और उसके बाद उसकी जो स्टेजिंग है उसके आधार पे अगर स्टेज 1-2 है या 2A-2B तक है तो हम उस स्टेज में बच्चे की कंटेनमेंट सर्जरी करते हैं जिसमें हम बच्चे की फीमर को तोड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकाते हैं जिसको वायरस ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। और इस ऑस्टियोटॉमी या इस सर्जरी के रिजल्ट कंपेरेटिवली बेटर है अगर हम राइट टाइम पर करें तो। जो सेकेंड स्टेज होती है, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है, उसमें हमें डिपेंड करना पड़ता है कि पर्थीज का क्या कॉन्सिक्वेंस। पर्थीज मतलब जो खून का दौरा चालू तो हो गया है लेकिन उसके बावजूद अगर हेड का शेप चेंज हो गया है तो उसके लिए भी हम कुछ सर्जरीज कर सकते हैं जिसको सीक्वेली, जो पर्थीज का सीक्वेली बोलते हैं, वो सर्जरीज की जाती है। उसमें हमारे पास कई बार हेड रिडक्शन सर्जरीज होती है, कई बार पेल्विक करके हम शेल्फ सर्जरीज करते हैं। ये नाम बहुत ही रेयर है और ये पेरेंट्स को इन सर्जरीज का नाम भले ही याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्थीज में भी ट्रीटमेंट है और वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, अगर राइट टाइम पे हम स्टेजिंग कर लें बच्चे की और डायग्नोसिस कर लें तो करस्पॉन्डिंगली हम जो ट्रीटमेंट है वो चालू कर सकते हैं। हम पेरेंट्स की तरफ से मैं ये चीज़ पर्थीज के बारे में उनको बताना चाहूँगा कि वो बच्चे का वज़न कंट्रोल रखें, बिकॉज उस दौरान यदि अगर वेट ज़्यादा है बॉडी का तो जो पर्थीज की वजह से जो हेड का डिफॉर्मेशन यानी हेड का टेढ़ापन होने का चांस है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, बच्चे की एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करेगा तो सॉफ्ट हेड है वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, हिप को चौड़ा रखना है और उसके मूवमेंट्स को मेनटेन रखना है, उसकी वजह से भी वो जो हेड है वो सॉफ्ट हेड है वो मूवमेंट में रहेगा और उसकी रिकवरी फास्ट होगी। नंबर फोर के राइट टाइम पर अगर हम सर्जरी करेंगे तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं सर्जरी के, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यदि आपको पर्थी से रिलेटेड आपके बच्चे को कोई भी क्वेरीज हैं, बिकॉज ये डिजीज़ कॉमन नहीं है, पेरेंट्स में बहुत ही चिंता हो सकती है, उस टाइम पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जयपुर में मालोथ हॉस्पिटल का रन करता हूँ, आई एम द डायरेक्टर, और मैं बच्चों की हड्डियों जोड़ों से संबंधित सारी समस्याओं को देखता हूँ। अगर आपके बच्चे को लग रहा है कि पर्थी से और आप कन्फ्यूज है कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस और फोन नंबर दोनों आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, और मैं हैप्पी कि आपके बच्चे को अगर मेरी तरफ से कोई भी प्रकार की मदद कर पाऊँ।